स्टेशनरी शॉप, वो शॉप होती है जहाँ पर आपके पेन पेंसिल से लेकर शार्पनर इरेजर और कॉपी किताब सब कुछ मिल जाता है, जितनी भी पढ़ने लिखने की चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इनका उपयोग केवल स्कूल कॉलेजों तक सीमित नहीं है, स्कूल कॉलेजों के बाहर भी इनका उपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं हर जगह किया जाता है। तो इस फील्ड में अगर आप एक बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी के साथ में अगर आप एक स्टेशनरी शॉप खोलते हैं तो इसी के साथ में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी स्टेशनरी शॉप के साथ साथ ही एक एक्स्ट्रा इनकम भी होती रहे, वो भी हम जानने वाले हैं। इसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितनी अर्निंग आप इससे कर सकते हैं, कौन कौन से लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे, सब कुछ तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर वन की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कि हम इस बिज़नेस को शुरू कहाँ पर करेंगे। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो ऐसे एरिया में होगा जहाँ आसपास कोई कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी हो। अगर एक से अधिक कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी आपको आपके आसपास मिल रही हैं तो उससे बेहतर कोई एरिया हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वैसे एरिया में स्टेशनरी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप कॉरपोरेट एरिया में कहीं इसे शुरू कर सकते हैं जहाँ पर ऑफिसेस कंपनियां हो काफ़ी ज़्यादा, वैसे एरिया में भी इस बिज़नेस के चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे एरिया में अगर आपको कहीं शॉप मिलती है तो आप आंख बंद करके रेंट पर ले सकते हैं, या अगर आपकी पर्सनल शॉप है तो सबसे बेहतर है। दूसरी चीज़ जो इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले हमें कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा और कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो लाइसेंस यहाँ पर आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने शॉप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा कर आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। इसके अलावा आपको अभी जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपका टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं होगा, आप सिर्फ अपने शॉप की शुरुआत कर रहे हैं। नंबर तीन की बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ खुद का एक कॉपी और पेन उठाना है बेचने से पहले, और फिर उसके बाद एक लिस्ट तैयार करनी है जो जो चीज़ें आप अभी अपने शॉप में रखने वाले हैं शुरुआती तौर पर और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, उन सभी चीज़ों को आपको एक साथ लिख लेना है अपने बजट के अनुसार। और उसके बाद वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए आपको फाइंड करना है अपने नियरेस्ट कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो कि स्टेशनरी के सामान डिस्ट्रीब्यूट करता हो आपके आसपास के एरिया में। साथ ही यहाँ पर आप ब्रांडेड कंपनियों से भी, जितने भी ब्रांडेड ऑथराइज्ड डीलर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, जैसे डोम्स के हो गए या नटराज के हो गए, आप उनसे भी प्रोडक्ट लेकर अपने शॉप में सेल करेंगे। इसी के अलावा यहाँ जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं आपको उनसे भी संपर्क करना है जो लोकल ब्रांड्स के। और यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको सामान खरीदना है तो कॉपी जो होती हैं, नोटबुक जिसे हम कहते हैं, वो आपके आसपास कई सारी ऐसे फैक्ट्री वाले कंपनी वाले होते हैं जो बनाते हैं, और अगर उनसे आप वो चीज़ खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा, जिससे आप कस्टमर को सस्ता दे पाएंगे, और जब कस्टमर को सस्ता देंगे तभी आपकी मार्केट बनेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कंपनी और फैक्ट्री वालों को अपने आसपास सर्च करिए जो कि नोटबुक बनाते हों, और अगर वैसे आपको मिल जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट नंबर फोर की बात करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें कर सकते हैं अपने शॉप में जिससे हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने शॉप में छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि स्टेशनरी शॉप है तो वहाँ बच्चे आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ सामान लेने, और वैसे में जो खिलौने हैं वो भी देख कर वो अट्रैक्ट होंगे और वो ख़रीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने उस स्टेशनरी शॉप के अंदर प्रिंटर रखेंगे। प्रिंटर इसलिए रखेंगे कि पास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको फोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ती रहती है और वो आपके पास आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप किसी अच्छे एरिया में अपने शॉप को स्टार्ट किए हैं तो आप 300 से 400 रुपये तक, तो समथिंग 500 रुपये तक भी निकल सकता है, वो एरिया पर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ फोटोकॉपी से ही निकाल लेंगे।
अभी इस बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं कि हमें कितना मिलता है। अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारा जाता है 1.5 से 2 लाख रुपए समथिंग शुरुआती लेवल पर, अगर आप इस बिजनेस को कहीं शुरू करते हैं। और इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कई सारे चीज़ें बेचोगे, जैसे अगर हम कॉपियों की बात करें नोटबुक्स की तो उसमें अलग प्रॉफिट रहेगा, अगर आप पेन बेचते हो तो उसमें अलग प्रॉफिट रहेगा। यहाँ दो तरीके से प्रॉफिट आप देख सकते हैं, जैसे अगर ब्रांडेड चीजें आप रखते हैं अपने पास तो ब्रांडेड में एक लिमिट तक प्रॉफिट आपको मिलता है। जैसे हमने मान बात की कि नटराज पेंसिल का डिब्बा आपने अगर खरीदा है 32 रुपए का, तो आप उसे सेल करेंगे 40 रुपए की, क्योंकि उसकी MRP 40 रुपए है। उससे ऊपर आप सेल नहीं कर सकते, वो उसका मैक्सिमम रेट रहेगा। आप इसमें केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 रुपए तक कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप उसे खोलकर 1 by 1 बेचेंगे तो थोड़ा ज्यादा, पर अगर आप डिब्बा ही सेल करते हैं तो 8 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। वहीं अगर हम किसी लोकल प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि नटराज एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आपके एरिया में लोकल प्रोडक्ट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, और वहीं लोकल पेंसिल का डब्बा आपको 10 से 15 रुपए का मिलेगा, जिससे आप MRP के हिसाब से 32 या 35 रुपए का भी बेच सकते हैं। मतलब यहाँ पर 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट रहता है कुछ प्रोडक्ट्स में, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 20 से 30% कमाएंगे आप, और जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमाई होती है, बट उनकी डिमांड थोड़ी कम रहती है मार्केट में, ट्रस्ट उनका नहीं होता है इतना ज़्यादा, इसलिए वो इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती हैं। पर ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में ज़्यादा फर्क होता है। तो अर्निंग यहाँ डिपेंड करती है कि आप कैसा प्रोडक्ट बेचते हैं और कितना सेल हो पा रहा है। इस प्रकार से आप एक स्टेशनरी शॉप को शुरू कर सकते हैं। ये थी एक छोटी वीडियो की किस प्रकार आप स्टेशनरी शॉप के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।